आभार। आदाब। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट। साले चप्पल बो मारूंगा। चलिए खेलते आज का पहला फास्टर स्विंगर फास्ट। गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद के कार्यों को उनके सही क्रम में लगाइए। आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए ब्लॉक करना, बी डीपी हटाना, सी जिम ज्वाइन करना, डी फिलिंग सेट विद 39 अदर्स। और इन लोगों ने सही क्रम में जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब दिया है वसीम। यस यस यस। भाई साहब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। रंडुआ हूँ रंडुआ। अद्भुत, आप विश्वसनीय रंडुए। आजा आजा रंडुए खेल। तेरी बहन का। कौन बनेगा करोड़पति में आपका बेहद बेहद स्वागत नाजिम जी। बहुत बहुत स्वागत है नाजिम जी आपका केबीसी में। देवी और सेटिंगों में आपको बता दूं, नाजिम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, इनकी कोई सेटिंग नहीं है, रंडुए हैं। तो केबीसी में आपके साथ कौन आया नाजिम जी? मेरे बड़े रंडुए, मेरा मतलब मेरे बड़े भाई, और उनके साथ जो बैठे हैं मेरे मित्र हैं बचपन के। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब आप क्या करते हैं? अरे कुछ करता तो यही बैठता, निराई ठाली हूँ। चलिए भाई साहब के बहुत नेक विचार है नाजिम जी, चलिए शुरू करते हैं हम। तुम कौन बनेगा करोड़पति? तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अबे पहला क्वेश्चन तो इजी आवे, यूं बता दूंगा यूं। न्यूटन के सर पर जो सेब गिरा था वो उस समय कितने रुपए किलो बिक रहा था? नाजिम जी आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ए 400 रुपए किलो, बी 4000 रुपए किलो, सी हराम, डी जिंदा हराम। सर मैं जिंदा हराम और 4000 में कंफ्यूज हूं। सर मैं ऑडियंस बोल लूंगा। मैं कब खेलूंगा, मेरा नंबर कब आगा? कैसा जोड़ी डालने का आया तू मुझे बुला के? शांत हो जाइए टिकटिकी जी, नाजिम जी की पहली क्वेश्चन में गांड फट गई है। कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल अंकित की जाए। ऑडियंस आपकी बारी शुरू है, आपके हाथ में वोटिंग मीटर, आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं नाजिम जी आपको कितने प्रतिशत वोट किस पे मिले हैं। ऑप्शन ए 0, बी 0, सी 0, डी 0। नाजिम जी छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं, इनकी पोल खोलूंगा मैं, क्या क्या देखते हैं ये। तो आप क्या लोग करना चाहेंगे? मुझे लगता है डी जिंदा हराम। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी जिंदा हराम को लॉक कर दिया जाए। और बिल्कुल सही जवाब। मैं ऑडियंस का शुक्रिया, हमारी बहन का इनका शुक्रिया नहीं करूंगा। वेल प्लेड नाजिम जी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपको जिता सकता है पूरे 151 रुपए, जो कि आप भात में भी दे सकते हैं, शादी ब्याह कहीं पे भी। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा कीजिए, अब की बार डैश सरकार। ना हम क्यों करें पूरा मुहावरा, उन्होंने अपने वादे पूरे करे, जो हम मुहावरा पूरा करेंगे। तो नाजिम जी आपके लिए क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा कीजिए, बंदर क्या जाने डैश का स्वाद। और आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ए डोमिनोज का स्वाद, बी पिज्जा हट का स्वाद, सी अदरक का स्वाद, डी बंदरिया का स्वाद। डोमिनोज तो सर हो नहीं सकता, क्योंकि बंदर मेरे हाथ में से खुद छीन कर लेके गया था एक बार पिज्जा, तो उसका तो उसे पता होगा। सी और डी में कंफ्यूज हूँ सर मैं। सर मैं 50-50 खेलना चाहूंगा। क्या खेलना चाहेंगे आप? 50-50 खेलूंगा सर मैं। चलिए नाजिम जी शुरू करते हैं आपकी 50-50 लाइफ लाइन। इस लाइफ लाइन को नाजिम जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, चारों तरफ ध्यान रखना। और अब पूरा ओवर मैं डालूंगा 50 के 50।
अरे सर मैंने 50-50 लाइफलाइन के लिए बोला। आपने कहा था 50-50 खेलूंगा तो रन हुए। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद आपकी पिच पर। कद्दू की ड्राई बॉल आई हो बे। सीढ़ी के इतना मारूंगा। अमिताभ जी हर बॉल बाउंस मारी है आपने। आपका लंबा है मेरा मतलब। आप लंबे होते इसका मतलब ये थोड़ी हर बॉल बाउंस मारोगे। मुंह पैसे निकली है कानों पैसे। कोई बात नहीं नाजिम जी आप सही उत्तर दीजिए। अगली बार 2020 खेलूंगा। अगली बार 2020 सही उत्तर नाजिम जी क्या है? सर सीलोक कर दीजिए आप अदरक का स्वाद। नाजिम जी सी ही क्यों, बंदरिया का स्वाद भी तो नहीं जानता होगा बंदर। अरे कैसी बात कर रहे हो सर आप। अरे कुछ स्वाद ले रहा बंदर। जब आप 48 में ओवर की चौथी गेंद फेंक रहे थे ना तो बंदर कुछ ले रहा था स्वाद। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी अदरक का स्वाद को लॉक कर दिया जाए। और सी इज द राइट आंसर। नाजिम जी आपकी गेंद 51 रुपए। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही असली तरीके से इन्होंने 50-50 का यूज किया है। नाजिम जी कॉन्ग्रेचुलेशन। नाजिम जी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम जनता को आपकी छोटी सी क्लिप दिखाना चाहते हैं, आइए देखिए। आज केबीसी की टीम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रही है जो कि निहायत ही अश्लील इंसान है। इन्होंने अश्लीलताओं की सारी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ हम बात कर रहे हैं लोणापुर के रहने वाले नाजिम अहमद। हम इन्हें सरप्राइज देंगे। इनको अभी पता नहीं है इनका सिलेक्शन केबीसी में हो गया है। अबे नाजिम तेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया। अबे इंटरव्यू लेने आ रहे थे ना, जल्दी से तैयार हो जा। आप नाजिम है? अरे सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। सर आपका नाम नाजिम है? सर मैं बहुत गरीब हूँ कसम से। अंधारों का भी हॉट सीट पे बैठ जाऊँ वहाँ पे। आपका नाम नाजिम है? जी सर मेरा। आपका केबीसी में सिलेक्शन हुआ, आपको ऑडिशन के लिए जाना पड़ेगा, आपकी बायोग्राफी बनेगी। ठीक है? ठीक है सर। चलो। अरे गरीब हूँ सर। अरे तू भी रो रिया है, ये सब फर्जी वाला है, ये स्क्रिप्ट ही मैंने लिखी है। ये और ये जो रो रिया ना ये गरीब बनिया, ये 6 बीघे तो इसके पास वैसी पड़ी है और बंटवारा होने के बाद 13 बीघे वैसे मिल रही है। नाजिम जी बहुत ही गरीब परिवार से है जैसा आपने देखा, बहुत ही निहायत ही टुच्चे परिवार से, असली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नाजिम जी आप को देखकर मुझे एक शेर याद आया है, मैं सुनाना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए। मारेंगे तेरी ही गांड चाहे जेल क्यों ना हो जाए। तो नाजिम जी आपको अगला क्वेश्चन 851 रुपए प्लस एक जोड़ी कपड़ों के साथ रेडीमेड।